वो हमारे पास एक लिस्ट प्रिपेयर करी हमने अपने यहाँ जम्मू के सभी ऑफिशियल के साथ बैठकर। जी जी, आज एक बहुत बड़ा, इट इज़ अ वेरी बिग डे जी। हमने किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें चुना है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैन इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, एंड जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये स्पोर्ट हम बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जाएं। हमारी छोटी छोटी लड़कियाँ गाँव से भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, हम इनको ट्रेनिंग देंगे और आई होप हम बहुत सारे तजमल इस्लाम को पैदा करें इस देश में, इस स्टेट से। तजमल इस्लाम, जैसे आप जानते हैं, 8 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड के मेडल्स पाए थी एंड वर्ल्ड चैम्पियन, शी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ दिस स्पोर्ट। तो हम चाह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के हर बच्चे इस स्पोर्ट में भरे ज़ोरदार तरीके से बाहर आए और ये सीखें, एंड आई विल हेल्प देम विद ऑल माई माइट टू बिकम एक्सपर्ट्स। थैंक यू। बॉक्सिंग एक ऐसे स्पोर्ट है जो औरतों को बहुत मजबूत कर देती हैं, और आजकल हमारे औरतों के खिलाफ कई क्राइम्स हैं, तो मैं चाह रही थी कि हमारे लड़कियां बहुत मजबूत हो जाएं और इसमें बहुत ही मतलब आगे भी चलें। गोल्ड मेडल्स भी पाए हैं तजमल इस्लाम ने, जैसे मैंने कहा 8 साल की थी जब पहला उसको मेडल मिला, अब 13 साल की है और 2 मेडल्स गोल्ड मेडल्स इन्होंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में ली है अंडर 14 कैटेगरी में। तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर लड़की किक बॉक्सिंग की चैम्पियन बन जाए और सेल्फ डिफेंस में भी नंबर 1 निकले। एक ही जगह में हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि इनके डाइट्स, इनके न्यूट्रिशन हर तरीके से हम देखना चाह रहे हैं। किक बॉक्सिंग के लिए हम इनकी न्यूट्रिशन भी देखेंगे, इनकी मेंटल हेल्थ भी देखेंगे और फिजिकल फिटनेस तो नंबर 1 है। जिस तरीके से आप फिकी फ्लो को चलाते हैं, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपका बिल्कुल मेन फोकस रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्चुअली मेरा मेन मकसद यही है कि हम औरतों को नॉट ओनली फ्रॉम द शहर बट गांव से भी हम बिल्कुल उनको आत्मनिर्भर करें, और हम उसी प्रोसेस में हैं।